क्वेश्चंस करेंगे वो कल की तरह नहीं होगा। ओके मैम। कल जो क्वेश्चंस किए थे और लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे वो कल के हमारे क्वेश्चन थे, जिसमें हमने देखा था कि एक ही क्वेश्चन में तीन माइनस हो रहे थे, तीन प्लस हो रहे थे, एक ही क्वेश्चन में एक माइनस हो रहा था, एक प्लस हो रहा था, दो माइनस हो रहे थे, दो प्लस हो रहे थे। लेकिन आज का जो हमारा टाइप है इससे भी क्वेश्चंस कई बार आते हैं, एसएससी में आते हैं, बैंक वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इससे यूपी गवर्नमेंट में क्वेश्चंस बहुत नहीं आते। ठीक, एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बैंक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग कल समझ में आ गया था कि ए टू जेड लिख लिया था हमने, और ए टू जेड लिखने के बाद हमने क्या किया था कि जिस तरह क्वेश्चन है उसी तरह हमने आंसर को सॉल्व किया। कोडिंग डिकोडिंग में पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, फिर हम आंसर सॉल्व करते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते कि हम सीधे आंसर सॉल्व करने बैठ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं ना हो। तो आज का एक क्वेश्चन है, अगर जॉइन जॉइन है एक वर्ड है जो कोड है यहाँ पे 5@7 और स्टार, ये कोड है। अब ये थोड़ा यहाँ पे अलग है। ठीक, और एक है कोड है आपका नेम, नेम का कोड है आपका स्टार और 9। ठीक, ये आपका जॉइन का कोड है और ये आपका नेम का कोड है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी है आप। ठीक, अब हमें क्या पता करना है, इसका कोड हमको पता करना। ठीक, ये दो कोड दिए, ये कल से अलग है लेकिन ये कल से आसान, ये दो कोड दिए, हाँ हाँ, ये कल से आसान है। अगर मैं कहूँ एन 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 स्टार है, ठीक, एन के नीचे यहाँ पे भी स्टार है, तो एन का कोड स्टार होगा। ठीक, हमने कहा था ना कि हमें कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिक नहीं ढूंढना, जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से उसको मान लेना। एन अगर यहाँ पे स्टार है तो एन यहाँ पे भी स्टार है। अब देखो ई, ई के नीचे एग्जैक्टली 9 है, ई के नीचे 9 है, यहाँ पे कहीं 9 है, यहाँ पे कहीं 9 नहीं है और ना यहाँ पे कहीं ई है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ई के नीचे, अगर एन के नीचे स्टार दे दिया, अभी देखो इसमें क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट भी हो जाते हैं, कई बार क्या करता है कि उसके नीचे नहीं देता है, उसी क्वेश्चन में देगा, उसी वर्ड में देगा लेकिन सीधे एग्जैक्ट नीचे नहीं देगा। ये तो सिंपल था, हमने एग्जैक्टली नीचे ले लिया और हमें पता चल गया। कई बार क्या करता है, जैसे नेम है, अब एन स्टार से इसमें यहाँ पे कहीं स्टार दे दिया लेकिन उसके नीचे नहीं दिया, तब हम क्या देखते हैं कि इनमें कौन सा लेटर इसमें है और कौन सा लेटर इसमें सेम है। तो अगर दोनों में वही सिंबल यूज किया गया और दोनों में वही लेटर है तो इसका मतलब उस लेटर को उसी सिंबल से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा सीधा है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, ई का 9 है, ओ यहाँ पे एट द रेट है लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ओ नहीं है, नहीं है। अब क्या बचा था, एन, तो एन का क्या हो गया, सॉल्व हो गया बहुत आराम से। ये क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चन से बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि सिंबल्स दे दिए गए हैं, हमें अल्फाबेट नहीं लिखना पूरा ए टू जेड, हमें ये नहीं चेक करना कि हमें प्लस में जाना है कि माइनस में जाना है, बस हमें सिंबल से क्या करना, जो सिंबल्स हैं उसी सिंबल्स को नोट करना है और उस सिंबल्स को यहाँ पे लिख ले। ठीक, एक क्वेश्चन और इसके हैं, उसको देखते हैं, जैसे कि ट्रैक है, इसका सिंबल है 4, 1, 3, 2। ठीक, और फिर बोल रहा है राइट, उसका सिंबल है 2, 9, 4%। अब बताइए केयर का क्या होगा। ठीक, टी का 4, अच्छा क्या एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसे ही दिया है, बिल्कुल दिया है, क्यों, क्योंकि K का भी 2 बता रहा है, नीचे ही है, आगे पीछे नहीं है, और यहाँ पे भी K का 2 ही बता रहा है। तो अब K अगर C यहाँ पे इसके आगे ये वाला सिंबल बना देंगे, A, A का एट द रेट, वहां पे एट द रेट ही, क्यों, क्योंकि वहां पे A भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे बना दिया। R,
आर दोनों में नहीं है, एक में ऐसे दोनों में नहीं है, एक में है आर वन, आर का क्या हो गया वन, ई सिर्फ उसमें इसमें नहीं है, तो ई का हो गया परसेंटेज परसेंटेज। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन में हमें जहां भी ये मिलेगा हम इसको टिक कर लेंगे, तो चार ऑप्शन होंगे हमारे पास, समझ में आया। ऑप्शन में ऐसे बने होंगे ठीक, कई सारे, एक ऐसे बना होगा, हो सकता है एक ऐसे बना हो, कई कुछ भी हो सकता है, पहले ये दे दे वो ठीक, कुछ ऐसे। तो हमें क्या करना होगा, जो एग्जैक्टली जिसके नीचे आ रहा है हमको आंसर वही टिक करके आना है, ये नहीं टिक करके चले आएंगे क्योंकि ये आगे पीछे हो रहा है ना, तो हमारे ये दोनों आंसर क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, समझ में आया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नंबर्स है, राइस का यहाँ पे है 8419, नील का है आपका यहाँ पे 5927, तो बताइए रेल का क्या होगा। अब देखो आर का 8 यहाँ पे कुछ ऐसा है जो दोनों में है, दोनों में क्या है ही। पहले मैंने कहा ना हमेशा ये चेक करेंगे कि क्या सिंबल के नीचे ही एग्जैक्ट, उसने लेटर के नीचे ही एग्जैक्ट सिंबल दिया है, तो हम हमेशा दोनों में जो कॉमन होगा वो पहले ढूंढेंगे, दोनों में कॉमन ही है, ई के नीचे 9, ई के नीचे 9, सॉरी लेटर के नीचे बिल्कुल सिंबल इन्होंने दिए हैं, नंबर इसमें नंबर्स है सिंबल नहीं है ठीक। अब देखो अब यहाँ पे आर बोला है, आर के नीचे 8 है, तो हम एग्जैक्टली 8 लिखते हैं, ए के नीचे 2 है, ई को मैंने इसलिए कॉमन देख के चेक किया था कि क्या उसने नंबर के नीचे बिल्कुल लिखा है, ऐसा तो नहीं कि आगे पीछे उसने कर दिया, तो क्वेश्चन एग्जैक्टली नंबर के, तो हम पहले कॉमन ढूंढते हैं दोनों में, दोनों में कॉमन क्या है, और अगर कॉमन कोई लेटर मिल गया हमको जो दोनों में है, तो हम उसके नीचे नंबर्स देखेंगे कि क्या वो नंबर दोनों में इक्वल है या नहीं। तो हमने आर का 8 लिखा, ए का 2, अब बताओ आई का क्या होगा 4, एल का क्या होगा 7, 8247, ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, ऑप्शन आपका ये भी हो सकता है, पर सही हमारा 8247 होगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब थोड़ा मजेदार क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ती हूँ उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यदि हम नीले को हरा, यानी कलर्स है कुछ, ब्लू कलर्स को हम ग्रीन कलर कह रहे हैं और ग्रीन कलर को हम व्हाइट कह रहे हैं, व्हाइट को हम रेड कह रहे हैं, रेड को हम येलो कह रहे हैं, तो दूध का रंग क्या होगा, व्हाइट। अभी यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। नीले को हरा कहा है, नीले को क्या कहा है, हरा कहा, हरा कहा है, हरे को सफेद, हरे को सफेद, सफेद कहा है, सफेद को लाल कहा है, रेड है जी, सफेद को लाल कहा है, और पीले को सॉरी लाल को पीला कहा है, लाल को पीला कहा गया है। तो बताइए दूध का रंग, वैसे तो हम जानते हैं ना दूध का रंग सफेद होता है, लेकिन यहाँ पे कलर के नाम बदल दिए, अब कोई कोड है, वो बंदा कोड में बात कर रहा है, तो कोड के अकॉर्डिंग उसने क्या किए, कलर के नाम बदल दिए, नीले को हरा कर दिया उसने, हरे को सफेद कर दिया उसने, सफेद को लाल कर दिया और लाल को पीला कर दिया। तो अब हमसे पूछना है कि दूध किस रंग का होता है, लाल होगा, क्योंकि सफेद को उसने क्या कर दिया है, लाल में कन्वर्ट कर दिया है, तो दूध लाल होगा, समझ में आया। ऐसे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कोई कैपिटल दे दिया कि अगर हमने पाकिस्तान को भारत कर दिया, भारत को अमेरिका कर दिया, अमेरिका को चाइना कर दिया, चाइना को रूस कर दिया, तो बताइए भारत की राजधानी क्या है। मैंने कहा मैंने पाकिस्तान को भारत कर दिया, मैंने क्या, मैं कह रही हूँ पाकिस्तान को क्या किया, भारत कर दिया, भारत को अमेरिका, अमेरिका को
चाइना। चीन, चीन को रूस कर दिया, ठीक। रूस को और बना लेते हैं, रूस को पोलैंड कर दिया, ठीक। अब मैंने इतने चेंजेस अगर कर लिए तो बताइए कि इस्लामाबाद किसकी कैपिटल? इस्लामाबाद, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को भारत बना दिया ना, तो इस्लामाबाद किसकी कैपिटल? अगर मैं कहूँ दिल्ली किसकी कैपिटल? अमेरिका। दिल्ली कैपिटल हुई अमेरिका की, क्योंकि भारत किसमें कन्वर्ट हो गया? अमेरिका में कन्वर्ट हो गया। अब मैं कहूँ वॉशिंगटन किसकी कैपिटल हुई? चीन। अब मैं कहूँ बीजिंग किसकी कैपिटल हुई? रूस की। अगर मैं कहूँ मॉस्को किसकी कैपिटल हुई? पोलैंड। समझ में आया? इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, यदि आकाश यानी आसमान को हम समुद्र कह रहे हैं, आकाश को क्या कह रहे हैं? समुद्र। समुद्र कह रहे हैं, और हम फिर समुद्र को पानी कह रहे हैं, यही कोडिंग डिकोडिंग होती है। पानी कह रहे हैं, पानी को हवा कह रहे हैं, पानी को क्या कह रहे हैं? हवा कह रहे हैं, और हवा को बादल कह रहे हैं। हवा को बादल कह रहे हैं, बादल को नदी कह रहे हैं, बादल को नदी कह रहे हैं, नदी कह रहे हैं। तो बताइए प्यास लगने पर हम किसे पीते हैं? प्यास लगने पर हवा पिए। क्यों प्यास लगने पर हवा पिएंगे? क्योंकि जो पानी था वो हवा में बदल चुका है। जैसे जो आकाश है वो समुद्र में बदल चुका है। अगर हम पूछे कि चिड़िया कहाँ उड़ती है? समुद्र में उड़ती है। अगर अभी हम यहाँ पे पूछते हैं कि हम क्या पीते हैं? हवा पी रहे। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में उन्होंने क्या किया है? चेंज कर दिया। जैसे पिछले वाला हमने किया था ना, इस्लामाबाद किसी कैपिटल बताई थी हमने? भारत। दिल्ली किसी कैपिटल बताई थी? अमेरिका। कोडिंग डिकोडिंग में जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो क्वेश्चन कह रहा है हमें आंसर उसी से रिलेटेड निकालना होता है। समझ में आ गया? हमें पहले ऐसे लिख लेना है, हमें रिलेशन समझ लेना है, फिर जो क्वेश्चन कह रहा है हमें उसका आंसर बता देना है। ये नहीं कहेंगे कि हम पीते पानी है, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम हवा पी रहे, क्यों? क्योंकि कह रहा है पानी का नाम बदल के हवा, ठीक। समझ में आ गया? थैंक यू मैम।